नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रगति पंत अवस्थी। हमारे तारे और ग्रह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को काफी हद तक प्रभावित करते हैं, साथ ही इशारा भी करते हैं कि क्या कुछ होगा आने वाले पलों में। इसलिए हम कोशिश करेंगे आपके जीवन को बेहतर बनाने की, साथ ही जानेंगे कि क्या है हाल आपके सितारों का। तो तैयार हो जाइए, हम बताएंगे आपको कि किस तरह की तैयारी होनी चाहिए आपकी अपने आने वाले पलों को बेहतरीन और यादगार बनाने के लिए। जानेंगे क्या करें क्या ना करें, और साथ ही बताएंगे मुश्किलों से बचने के कुछ आसान उपाय, और उसके साथ ही आज का बहुत ही खास उपाय भी हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। क्या कहती है सितारों की चाल और कैसे आपके जीवन को ये प्रभावित कर सकती है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। नमस्कार। और पंडित जी देंगे आपको गुड लक टिप्स, साथ ही देंगे आपके सवालों का जवाब भी। तो अगर आपका कोई भी सवाल है आपके जीवन से जुड़ा हुआ, भविष्य से जुड़ा हुआ, या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ ही आपको बस अपना नाम बताना है, जन्म की तारीख बतानी है, जन्म का समय बताना है और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उस सबसे पहले हम जान लेते हैं आज का राशिफल पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल, दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना चाहिए और आज आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप लगभग वो सारे काम पूरे कर लेंगे जो आज की प्लानिंग में शामिल है। स्थितियां आज आपके अनुकूल हैं, अटके हुए कामों पर आज आपको ध्यान देने की जरूरत है। खर्च आज थोड़ा सा बढ़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। वहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी मतभेद होने से कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां आ सकती हैं। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए किसी गरीब कन्या को यदि केले के फलों का दान करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको दिखावे और आडंबर में आपको विश्वास नहीं करना है। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए पैसों के लिहाज से आज दिन अच्छा रहेगा। ध्यान रखें कि गुस्से में कही हुई कोई बात आज आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वाहन चलाने में सावधानी बरतनी है। अधिकारी आज जो हैं वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। नई जिम्मेदारी भी आज आपको प्राप्त हो सकती है। मौसमी बीमारियों से आज आपको बचना चाहिए। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को यदि आप एक समय का भोजन करवाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको नज़दीकी लोगों की अनदेखी नहीं करनी है, वरना खुद के लिए कुछ ना कुछ आज आप परेशानी पैदा कर सकते हैं। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज किस्मत के सहयोग से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई शुभ समाचार भी आज आपको मिल सकता है। कामकाज का विस्तार और विकास होगा। स्वास्थ्य, समय और धन की हानि का आज आपको ध्यान रखना है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए भगवान गणेश जी को यदि अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आप अपने व्यवहार में थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपकी किसी बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। चलिए, और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। पंडित जी, नाम है इनका विवेक और इनकी जन्म की जो तारीख बताई गई है, डेट ऑफ बर्थ है 16/12/1983 का जन्म है जी। सुबह 4:35 समय बताया गया है और दौसा में ही जन्म हुआ था। विवेक जी, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से आप। गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए गुरु जी। मेरी काफी टाइम से मतलब स्टडी खत्म होने के बाद में ना जॉब लग रही है, ना शादी का हो रहा है और हेल्थ प्रॉब्लम और चलती रहती है लगातार। विवेक जी, आपकी जन्म कुंडली में इस समय जो समय चल रहा है वो चंद्रमा की महादशा और राहु का अंतर चल रहा है, जो कि जुलाई 2015 तक रहेगा।
चंद्रमा के साथ में जब राहु आ जाता है तो उसे हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। तो ये जो समय है वो थोड़ा सा रुकावटों का, यानी कोई भी सफलता हासिल करने के लिए आपको थोड़े प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे। जहाँ तक सेहत का अगर सवाल है तो उच्च का जो शनि है ये कोई छोटी मोटी मौसमी बीमारियाँ जरूर कर सकता है, लेकिन ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी। तो समय की शुभता प्राप्त करने के लिए आपको जो ग्रहण योग है इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। करना ये है कि हर रविवार को आपके पास में जो भी भैरव जी का स्थान हो वहाँ पे आप जाएं, एक दाल की कचौरी ले लें, उस पे थोड़ा सा दही डाल के और 3 इमरती कंगन जिसको बोलते हैं वो 11 रविवार आप कम से कम यदि आप चढ़ाते हैं तो जो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके मानसिक शारीरिक क्षेत्र में जो भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन सब से मुक्ति मिलेगी। और नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना भी आपको अवश्य करनी चाहिए। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, सुमन जी रिंगस से ये हमारे साथ जुड़ी है। सुमन जी सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। मैं 5 जुलाई 1993। और हाँ। समय क्या था? 7:15 बजे शाम के। 7:15 बजे शाम। और स्थान थोड़ी है जो सिक्कर जिले में पड़ता है। चलिए अब बताइए आप क्या पूछना चाहती है पंडित जी से। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी सर्विस कब तक लग जाएगी। आपके जहाँ तक नौकरी का जो सवाल है, यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करती हैं तो आपको शीघ्र सफलता मिलती हुई दिख रही है। आने वाला जो समय है नवंबर के आसपास का जो समय है, नवंबर से अगले साल मई जून का जो समय है उसके अंदर निश्चित तौर पे आपकी सरकारी नौकरी लगती हुई दिख रही है। ध्यान रखें कि राहु आपके जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा हुआ है और राहु की ही मां दशा चल रही है। इस राहु की आपको आराधना करनी चाहिए, रविवार के दिन भैरव जी महाराज के दर्शन करने चाहिए। एक काम करें, 108 बड़े रविवार के दिन आप बनाएं उड़द की दाल के और हर बड़े पे एक एक लौंग लगा के आप उनको भैरव जी के महाराज मंदिर में आप चढ़ाते हैं तो राहु से संबंध जितने भी रुकावटें हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। 125 रत्ती का यदि आप गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में चांदी के अंदर धारण कर लेते हैं तो भी समय की शुभता आपको प्राप्त होगी और निश्चित तौर पर अगले वर्ष तक आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। पंडित जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अमिता जी हैं कोटा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमिता जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 अगस्त 1985। और समय? समय दिन में 1:50। 1:50 दिन में। और स्थान? कोटा। कोटा जी बताइए क्या पूछना चाहती है पंडित जी से। जी मैं ये चाहती हूँ कि मेरी शादी कब तक होगी और मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ पर वो भी मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर जहाँ तक अगर विवाह सुख की हम बात करते हैं तो इसी वर्ष सितंबर अक्टूबर के पश्चात का जो समय है वहाँ से लेके अगले साल 2015 मई जून तक का जो समय है वो विवाह के लिए सबसे अच्छा समय आ रहा है। तो आपको करना ये है कि एक तो प्रतिदिन आप तुलसी जी में केसर मिला जल अर्पण करें, उसके साथ साथ में कहीं मंदिर हो आपके पास में तो वहाँ पर आपको एक केले का और एक अनार का अगर आप पेड़ लगाते हैं तो समय की शुभता प्राप्त होती है। साथ साथ में प्रतिदिन आपको गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए, चाहे पालक खिलाएं, चाहे हरी सब्जी खिलाएं, चाहे रोटी खिलाएं, नियमित रूप से यदि आप करते हैं तो विवाह के क्षेत्र में जो भी रुकावटें हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। जहाँ तक नौकरी का सवाल है तो नौकरी भी आपकी सरकारी नौकरी का तो योग नहीं बनता लेकिन प्राइवेट नौकरी आपकी लग सकती। दिक्कत यह है कि आपकी जन्म कुंडली में जो भाग्य स्थान है वहाँ पे मंगल जो ग्रह है वो नीच का होकर बैठा है जिसके कारण कहीं ना कहीं मेहनत के हिसाब से आपका जो लक पार्ट है वो उतना आपको सपोर्ट नहीं करता है। तो एक तो नियमित रूप से भगवान हनुमान जी की आराधना करें, सरसों के तेल का दीपक लगाएं तो मंगल की भी शुभता आपको प्राप्त होगी। बिल्कुल आसान से टिप्स पंडित जी बता रहे हैं, इन्हें देखिए और अमल कीजिए। और इस बीच एक और कॉलर पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजय जी हैं झालावाड़ से हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी डेट ऑफ बर्थ बताइए सबसे पहले। 5/9/1982। अच्छा और समय क्या था? 3:25। फिर से बताइए समय। 3:25। 3:25 रात में दिन में? सवेरे। अच्छा और स्थान क्या था? झालावाड़। चलिए अब बताइए क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे काम धंधे कुछ भी नहीं चल रहे हैं और जिसमें भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ पैसा वो सब वेस्ट, मतलब नुकसान ही नुकसान होता है। संजय जी जहाँ तक बिजनेस व्यवसाय की अगर बात करते हैं तो द्वादश भाव में जो राहु बैठता है ये आपको कहीं ना कहीं आय के मुकाबले व्यय ज़्यादा करवा देता है, नुकसान करवा देता है। ध्यान रखें आपको शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए, जुआ सट्टा लाटरी
इस तरह के इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करने हैं, ध्यान रखें। किसी की जमानत भी आपको नहीं लेनी है। आपके लिए कहा जाता है कि अगर सड़क पे कोई लड़ रहा मर रहा हो तो भी आप अपने काम से काम रखेंगे तो ज़िंदगी में आपको सफलता मिलेगी। समय की शुभता प्राप्त करने के लिए एक तो नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें, बजरंग बाण का प्रयोग करें, उसके साथ साथ में 6.25 रत्ती का यदि आप तिकोना मूंगा ट्रायंगल मूंगा चांदी की अंगूठी में अनामिका उंगली में धारण करते हैं तो आने वाले समय में कार्य क्षेत्र में और लाभ क्षेत्र में आपको निश्चित तौर पे सफलता मिल सकती है। प्रतिदिन गणेश जी भगवान को जल का अर्घ प्रदान करते हैं तो भी व्यवसाय क्षेत्र में जो रुकावटें हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। और चलिए अब बात करेंगे कुछ और राशियों की। कर्क, सिंह और कन्या, आपके लिए कैसे होंगे आने वाले पल, कैसी तैयारी आपकी होनी चाहिए उनको बेहतरीन बनाने के लिए पंडित जी से जानते हैं। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपके सितारे आपको शुभ फल दे सकते हैं। नौकरी में आज आपका कामकाज बेहतर हो सकता है, बिजनेस में भी आज आपको लाभ मिलने की संभावना है। पैसों को लेकर जो पिछले दिनों से आपकी परेशानियां चली आ रही हैं वो आज खत्म हो सकती हैं। मौसमी बीमारियों से, गर्मी से संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे आज आपको बचना ठीक रहेगा। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए मोगरे के पुष्प यदि शिव मंदिर में आप अर्पण करते हैं तो पूरा दिन शुभता से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको गलत फहमियों से दूर रहना है और किसी भी मामले में आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन मध्यम फल देने वाला रहेगा। नौकरी में आज पदोन्नति के आसार हो सकते हैं, स्थानांतरण का भी योग बनने वाला है। आज बिजनेस में आपको धन लाभ होगा, तनाव और थकान से आज आप परेशान हो सकते हैं। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए माता पिता का आशीर्वाद लेकर यदि आप दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज ध्यान रखें आप अपना जो ईगो है उसको अपने घर पे रख के जाएं, अपने साथ अपने कार्य क्षेत्र पर लेकर नहीं जाएं। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में उनको लाभ प्राप्त हो सकता है। आज किए गए काम से आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा, धन लाभ होगा। आज अपने काम पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिजूल खर्ची से बचें, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए किसी भिखारी को यदि आप फलों का दान करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको स्वार्थी जनों से संपर्क कम रखना है, कोई आपका फायदा उठा सकता है। चलिए इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं पंडित जी। जी दीपक जी हैं चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 14/11/1988, शाम 4:45 पर इनका जन्म हुआ था चित्तौड़ में ही। जी तो दीपक जी क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से। मैडम जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ मेरे जो लाइफ में जो काम व्यापार का जो है बिल्कुल बिगड़ा हुआ है अभी। दीपक जी आपकी जन्म कुंडली के अंदर 2-3 समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या तो यह है चंद्र और शनि का विष योग आपके भाग्य स्थान में बैठा है। कहते हैं कि मेहनत के साथ में भाग्य की बहुत जरूरत होती है। उसके साथ साथ में आपकी कुंडली में 2 मुख्य जो ग्रह हैं, एक तो है सूर्य, यशमान वैभव कीर्ति दिलाने वाला जो सूर्य है वो भी नीच का होकर बैठ गया। उसके साथ साथ में शुक्र, वो भी नीच का होकर बैठ गया। तो ये जो ग्रहों की जो नकारात्मकता है ये कहीं ना कहीं आपको असफलता की तरफ ले जाती। तो आपको जो उपाय करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो किसी योग्य विद्वान के निर्देशन में आपको ग्रह शांति करवा लेनी चाहिए। उसके साथ साथ में आपको नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए। तांबे का कड़ा आप ले लीजिए, उसको सीधे हाथ में रविवार के दिन अपने धारण कर लीजिए और रात को सोते समय अपने सिराहने के पास में एक तांबे के कलश में जल भर के रखें और सुबह उठते ही बगैर कुल्ला किए आपको उस जल को पीना है ताकि सूर्य की जो नेगेटिविटी है वो दूर हो। साथ साथ में क्या करें, शुक्र की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए एक स्टील की चरी ले लीजिए, कलश ले लीजिए, उसमें 7 तरह का अनाज भरें और शुक्रवार के दिन आपके सिर के ऊपर से 7 बार घुमा के उस चरी को अनाज समेत कहीं मंदिर के अंदर आप दान कर दें तो ये शनि से शुक्र से संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन के अंदर सफलताएं आपको दिखने लगेंगी। तो बिल्कुल आसान से टिप्स हैं, देखिए और अमल कीजिए, ये आपके तारों के इशारे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के बाद जानेंगे आज का दिन आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आया है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में भी पंडित जी हमें बताएंगे। छोटा सा ब्रेक, चलो लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु की, क्या खास आज का दिन आपके लिए लेके आया है पंडित जी बताएंगे। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का पूरा दिन अच्छा व्यतीत होने वाला है। बिजनेस को लेकर आज आपकी चिंता दूर हो सकती है। कैरियर में आज कुछ आपको नए सकारात्मक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर आज आपको ध्यान रखना जरूरी रहेगा। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए यदि आप अपनी माँ के हाथ से 10 रुपये का नोट लेकर अपने पर्स में रखते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको वाद विवाद प्रतिस्पर्धा से बचना है और किसी पर आज आपको निर्भर नहीं रहना है। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस में, घर में आज आपका वातावरण जो है वो खुशनुमा बना रहेगा। रुका हुआ पैसा आज आपको वापस मिल सकता है। भागदौड़ में बीते दिन का अंत कुछ सकारात्मक घटनाओं से होगा। गर्मी की बीमारियों से आज आपको बचना चाहिए। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए यदि आप पक्षियों को दाना खिलाते हैं, उनके जल की व्यवस्था करते हैं तो पूरा दिन शुभता से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको ज़रूरत से ज़्यादा स्पष्टवादी नहीं होना है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है किसी भी बात पर। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन सुख देने वाला रह सकता है। आज आपकी मेहनत आपको सफलता दिलाने वाली रहेगी। शेयर मार्केट में आज आपको सोच समझकर निवेश करना है। प्रमोशन मिलने के पूरे पूरे चांस आज दिख रहे हैं। परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में यदि गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज किसी भी अजनबी पर आपको भरोसा नहीं करना है। जो मदद करने की बात कहे सबसे पहले आप उसकी मंशा को समझने की कोशिश करें। इस बीच एक कॉलर जुड़े हैं पंडित जी हमारे साथ। जी, जयपुर से कॉलर जुड़े हैं। अरुण नाम बताया गया है और डेट ऑफ बर्थ है 2/11/57, 1957 का जन्म है। शाम 5:55 और जमशेदपुर में जन्म हुआ था। जी अरुण जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। जी मैं अपनी बीमारी के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे कमर से पैर तक बहुत दर्द रहता है। MRI कराया, ट्यूमर बता रहे हैं, बहुत इलाज करा रहा हूँ, ऑपरेशन नहीं कराया हूँ, लेकिन अभी तक कोई आराम नहीं मिल रहा है। आयुर्वेद और होम्योपैथी दोनों ले चुका हूँ। अरुण जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक तो 7 साल की केतु की महादशा चल रही है जो कि सन 2016 फरवरी में ख़त्म होगी, और केतु आपके लग्न में बैठा है, यानी शरीर दिमाग के ऊपर केतु बैठा है। राहु और केतु का एक करैक्टर होता है, जिस तरीके से सांप चलता है, सांप कभी सीधा नहीं चलता, टेढ़ा चलता है, उसी तरीके से राहु केतु का जो समय होता है वो इंसान को टेढ़ा चला देता है। वन डे यू फील कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, वन डे यू फील कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, ये उसका करैक्टर है। तो केतु की महादशा चल रही, और साथ साथ में जो आपके सप्तम भाव के अंदर केतु के राहु के साथ में मंगल, अंगारक योग हम उसको बोलते हैं, और उसके साथ में नीच का सूर्य जिसको हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य का मामले में आपको थोड़ा सा डाउन कर देता है। तो आपको करना ये है कि एक तो 1.25 रत्ती का लहसुनिया जिसको हम बोलते हैं उसको आप अपने गले के अंदर चांदी में धारण कर लें। अपने वजन के बराबर, जितना आपका वजन है उस वजन के बराबर गुड़ लेके गौशाला में जाएं और गायों को अपने हाथ से खिलाएं। और अभी किसी भी तरह के ऑपरेशन वगैरह से आपको बचना है। कम से कम 1.5 साल आप अगर निकाल सकते हैं दवाइयों पे, और यदि जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ तो इससे निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। और सूर्य की नीचता को ख़त्म करने के लिए तांबे का कड़ा धारण करना है, तांबे के कलश का पानी रोज आपको पीना है। अगर छोटे से टिप्स करते हैं तो भी आपके स्वास्थ्य में आपको काफ़ी मेजर रूप से आपको फायदा होते हुए दिखेगा। पंडित जी से बात करने के लिए तमाम कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन सबके बीच एक मेल भी आया है, अनिल जी का मेल है धौलपुर से। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताया है 11/3/1985 का, समय इन्हें नहीं पता है, जन्म स्थान बाड़ी, और अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं।
अनिल जी, जो बेसिक प्रॉब्लम है आपके जन्म कुंडली में, वो दिक्कत ये आ रही है कि कहीं ना कहीं एक आपके कुंडली में राहु केतु के बीच में जो सारे ग्रह आ गए हैं, जिसे हम कालसर्प दोष के नाम से जानते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में आपको कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप पहला काम तो ये करें कि किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में कालसर्प दोष की शांति करवाएं। एक गोमेद रत्न आता है 5.25 रत्ती का, चांदी की अंगूठी में मध्यमा उंगली के अंदर धारण कर लें, और हर शनिवार को नियमित रूप से आपको कुत्ते को, काले कुत्ते को, 2 रोटी दही में चूर के शक्कर मिलाकर आप खिलाते हैं, तो जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं में आपको बहुत ही चमत्कारिक रूप से शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। चले आगे बढ़ते हैं पंडित जी, और अब बात करेंगे हम मकर, कुंभ और मीन की, और आपको ये बताएंगे कि आज वो क्या करें क्या ना करें इस दिन को बेहतर बनाने के लिए। पंडित जी से जानिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन शुभ फल देने वाला रहेगा। नौकरी और निवेश के क्षेत्रों में आज आपको कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज आपको विशेष ध्यान इस बात का रखना है कि किसी के भी साथ संबंध हमेशा के लिए बिगड़ने नहीं पाए। मौसमी बीमारियों से आज आपको बचना ठीक रहेगा। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता को कुछ मीठा अवश्य खिलाएं। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज किसी भी कागज पर बगैर देखे आपको दस्तखत नहीं करने हैं। अगली जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज के जो सितारे हैं आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। बॉस के साथ अपने संबंधों को लेकर आज आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। बिजनेस में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। मौसमी बीमारियों से बचें। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए यदि गुड़ खाकर घर से बाहर निकलते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज क्या ना करें। तो आज होने वाले किसी भी आकस्मिक घटनाक्रम पर आपको कोई तुरंत फैसला नहीं लेना है। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए दिन आज अच्छा रहेगा। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में आज आपको सफलता मिल सकती है। लाभ के योग बने हुए हैं। कई क्षेत्रों में आज आपकी ठोस प्रगति हो सकती है। आपको निवेश का अवसर मिलेगा जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए गाय को गुड़ रोटी मिलाकर खिलाएं तो दिन आपका सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज क्या ना करें। तो आज अकारण मन में कोई भी शंका आपको नहीं पालनी है। कहीं शंका में आके गलत निर्णय आज आप कर सकते हैं। और पंडित जी लगातार हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। विक्रमजीत जी जुड़े हैं हमारे साथ, आसाम से हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 30/11/1982, पर इन्हें समय नहीं पता है। जन्म का जो स्थान है वो आसाम में ही सिलचर बताया गया है। विक्रमजीत जी बताइए क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से। लगता है उनका फोन कट गया है, वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं, पर उनकी समस्याएं संभवतः जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये थी कि वो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। विक्रमजीत जी, आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्च का होके बैठा हुआ है, तो एक तो यदि आप लोहे से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिक आइटम, हार्डवेयर, इस क्षेत्र के अंदर आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो राहु है वो आपके कार्य में रुकावट डाल रहा है। जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए वो सक्सेस नहीं मिल पा रही। ये ध्यान रखें कि नवंबर 2014 के पश्चात में जो आपका समय आ रहा है वो बहुत अच्छा है, और आने वाले समय में आप व्यापारिक क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में आपको पदोन्नति हो सकती है, व्यापार में आपको लाभ मिल सकता है। 1.75 रत्ती का एमरिल्ड पन्ना, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रंग का जो स्टोन होता है, सोने के अंदर सबसे छोटी उंगली में आप धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलताओं आपको प्राप्त होंगी और आपका जो जीवन है वो सुखमय रहेगा। चलिए पंडित जी, आपने आज का राशिफल बताया, कॉलर्स की जो समस्याएं थी उसका समाधान किया। इन सबके बीच कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तनाव आ जाता है, आप कुछ करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता, तो मार्गदर्शन कीजिए हमारे दर्शकों का कि कैसे इससे बचा जाए। जी, आज मैं आपको एक बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ। जब भी आप किसी गंभीर समस्या में आप पड़ जाएं, जीवन में आपको आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा हो, भविष्य लगता हो कि अंधकारमय हो गया हो, सारे रास्ते आपके बंद हो गए हों, तो उस समस्या से दूर निकलने के लिए, आपके डिप्रेशन से दूर निकलने के लिए एक बहुत ही सरल
लेकिन चमत्कारिक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है कि आप एक स्टील का या तांबे का आप एक कलश ले लें, उस कलश में जल भर दें, जल के साथ में उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा गुड़, काले तिल मिलाकर फिर उस जल को आपको आसपास में जो भी कहीं पीपल का पेड़ हो उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर पूरी श्रद्धा से अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए उस जल को अर्पण करें। फिर वहाँ पे आपको 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ पान के पत्ते पर अर्पित करनी है। 5 अलग अलग प्रकार की जो मिठाई हो एक पान के पत्ते या अलग अलग पान के पत्ते के ऊपर रख के पीपल देव को अर्पण करें और उसके साथ साथ में एक लौंग, एक इलायची और एक सुपारी का भोग भी पीपल देव को अर्पण करें और पूरी श्रद्धा से 5 सुगंधित अगरबत्ती वहाँ पे अर्पण करके पीपल देव की परिक्रमा करें। बहुत ही सरल प्रयोग है, लेकिन इस प्रयोग के करने से यदि आप लगातार 21 दिन तक इस प्रयोग को करते हैं तो आपकी जितनी भी रुकावटें हैं, जितना भी आपका दुर्भाग्य है, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी और जो भी आपकी गंभीर समस्या है उस गंभीर समस्या से निकलने में भी आपको सहायता मिलेगी। ये सरल उपाय आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत को बदल सकता है। चलिए, तो आज हमने चर्चा की किस तरह से राशियां हमारे जीवन पर असर डालती हैं और साथ ही हमने दी आपको गुड लक टिप्स। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम जरूर आपको पसंद आया होगा। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, लोगों की समस्याओं का निरावरण किया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और अगर आपकी भी कोई समस्या हो, समाधान उसका चाहते हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।